इंडियन प्रीमियर लीग की चार बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत इस एडिशन में अच्छी नहीं रही है और अब तक लगातार दो मैचेस जो चेन्नई ने खेले हैं, दोनों मैचेस में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा। पहले मैच में चेन्नई को हराया केकेआर की टीम ने, वहीं दूसरे मैच में बड़ा एक क्लोज एनकाउंटर हुआ था जहां पर कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी चेन्नई की अगर देखें तो परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि उनके पास ना दीपक चाहर है, इसके अलावा एडम मिलने जो कि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज है वो भी इंजर्ड हो गए थे, दूसरे मैच में वो खेले नहीं थे। और खबर ये आ रही है कि क्रिस जॉर्डन जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं और पहले पंजाब के लिए आईपीएल खेलते थे, इस बार चेन्नई ने उनको खरीदा था, इस बार टॉन्सिल इंजरी, उनको टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो गया, इंजरी नहीं इन्फेक्शन हो गया है, और उसकी वजह से वो चार पांच दिनों से आप देखें कि हॉस्पिटलाइज है और माना यह जा रहा है कि शायद वो भी आज के मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे चेन्नई के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ना दीपक चाहर चेन्नई के लिए गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे अभी हाल फिलहाल में, ना एडम मिलने के बारे में उनके पास कोई खबर है और इंजरी अभी भी बरकरार है एडम मिलने के साथ में, और क्रिस जॉर्डन जिनके बारे में कि हमें लग रहा था कि शायद वो आकर कुछ गेंदबाजी लाइनअप को चेन्नई को बेहतर करेंगे, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि पिछले छह दिनों से टॉन्सिल इन्फेक्शन की वजह से वो भी हॉस्पिटलाइज है। तो अब बड़ा मुश्किल एक सिनेरियो बन गया, क्योंकि आप देखिए कि चेन्नई की गेंदबाजी लाइनअप बहुत ही कमजोर नजर आ रही है, तुषार देश पांडे हैं, इसके अलावा चौधरी गेंदबाज जो है वो भी हैं, लेकिन एक फॉरेन आपको गेंदबाज चाहिए, एक ऐसा दमदार गेंदबाज चाहिए जो कि प्रेशर में अच्छी गेंदबाजी कर सके। यंगस्टर अच्छे गेंदबाज है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस गेंदबाज चाहिए, एक एक्सपीरियंस गेंदबाजी यूनिट चाहिए जो कि चेन्नई की टीम मिस कर रही है। और आज के मैच में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है अगेंस्ट पंजाब, वहां पर अगर क्रिस जॉर्डन भी अवेलेबल नहीं होते तो आप सोचिए कि एडम मिलने नहीं है, दीपक चाहर नहीं है, साथ ही क्रिस जॉर्डन नहीं है, तो चेन्नई की जो गेंदबाजी लाइनअप है वो कितनी कमजोर नजर आएगी। इसीलिए चेन्नई को लग गया बड़ा झटका, लेकिन उम्मीद करेंगे कि चेन्नई की टीम अपने पहले मैच में जीत दर्ज करे। पहले ही आप ये तीसरा मुकाबला होगा लेकिन पहला जीत इस कैंपेन में जरूर दर्ज करने की कोशिश करें। आपको कैसी लगी स्टोरी आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।